So class, in the last class we have studied about the circular motion. We started and we get introduced with the circular motion. अब circular motion के एक एक dynamics को हम लोग step by step समझते हैं. Circular motion करता एक object अपने path को एक circle पर maintain रखता है और तब हम कहते हैं कि object circular motion perform कर रहा है. हमने पिछले class में देखा था कि अगर कोई object इस circle पर चलना चाहता है तो उसको एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत होती है जो लगातार उसके मोशन को इस तरीके से चेंज करे कि वो एक सर्कल पर बना रहे. अगर किसी पॉइंट पर हम इस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को समझना चाहें तो इस पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. ये टेंजेंट उसके उस पॉइंट पर, सर्कल के उस पॉइंट पर ड्रॉन ये टेंजेंट उसकी वेलोसिटी को दिखाता है. और अगर इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरीके से है तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाना चाहता है. लेकिन ये जो परपेंडिकुलर टू द मोशन, अब यहाँ पे ये ध्यान करो, ये जो फोर्स है जो इसेंशियल है किसी ऑब्जेक्ट के सर्कल पर मूव कराने के लिए, वो फोर्स उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लगता है. और वो क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फोर्स लगाता है कि ये ऑब्जेक्ट अगले मोमेंट पर अपनी ये जो डायरेक्शन है, देखो इस ब्राउन एरो को, तो इस मोमेंट पर इसकी डायरेक्शन इधर है और ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहता है, लेकिन अगले ही मोमेंट ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन से इस तरह से फोर्स करता है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए. देखो ध्यान से, इस तरीके से ये इधर की ओर मुड़ गई. अगले मोमेंट पर ये जो फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन को फिर से चेंज कर देता है. और ये जो फोर्स है ये लगातार दो प्रॉपर्टीज को, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है. एक ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, डायरेक्टेड हर पॉइंट पर, और दूसरा ये फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है. ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है. देखो तो अभी क्या हो रहा है कि ये इस पॉइंट पर टूवर्ड्स द सेंटर और मोशन के परपेंडिकुलर. जब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है तो ये फोर्स इसको इस तरीके से डायरेक्शन इसकी चेंज करता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन अब इस नए डायरेक्शन में सेट हो गया. और ये फोर्स अभी भी इस मोशन के परपेंडिकुलर है और ये फोर्स अभी भी सेंटर की ओर है. यानी ये फोर्स इस डायरेक्शन के, जो कि टेंजेंट की डायरेक्शन है सर्कल पर, उसके परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द रेड सेंटर अलोंग द रेडियस कंटिन्यूसली लगता रहता है. देखो और इस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करने वाला ये फोर्स जरूरी है कि ऑब्जेक्ट सर्कल पर चलता रहे. सो नाउ वी कंक्लूड दैट एन ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑन अ सर्कल व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स व्हिच इज ऑलवेज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेम पॉइंट व्हिच इज सेंटर ऑफ द मोशन और सेंटर ऑफ द सर्कल. ऑल्सो दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलवेज परपेंडिकुलर. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो वी आर डिफाइनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एज अ फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम पॉइंट ऑफ द मोशन, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, and which is always perpendicular to the direction of motion, that is the force called centripetal force. So this is definition of centripetal force, a force which is always directed towards center of the motion and which is always perpendicular to the direction of motion. So you write the definition of centripetal force. So now interesting thing is that if the speed of object is even constant, that means
The object is not changing its speed. If you are moving with your scooter on the circle and your speed is continuously 40 km per hour, then also at every moment your direction of motion is changing. And this implies that even if the speed of your scooter is constant, not changing, then also since direction of your motion is changing, this implies that velocity of the object is changing, and this implies that object has acceleration. So this motion, this particular motion in which speed of object is same but direction of object is changing throughout the circular path is called uniform circular path or uniform circular motion. Now, uniform circular motion, and you just go through a term, uniform linear motion. They are two different types of motion, and there is an important question, right? Difference between uniform circular motion and uniform linear motion. So let us understand the difference between the two types of motion. So if an object is moving, say, on a straight line with a constant speed, this is uniform linear motion. Neither speed nor direction of the object is changing. So this motion, which is called uniform linear motion, is an unaccelerated motion because neither direction nor speed of the object is changing. But in uniform circular motion, although speed is not changing, but direction of motion is changing at every moment of the path. So this is an accelerated motion. Uniform circular motion is an accelerated motion, while uniform linear motion is an unaccelerated motion. This is difference between uniform linear motion and uniform circular motion. Now, interestingly, in an accelerated motion, object always experience a force which is known as pseudo force. Since circular motion is also an accelerated motion, so object here also experiences a pseudo force. अब कल हम लोगों ने centrifugal force को experience भी किया था, observe किया था, वो pseudo force ही है. तो accelerated motion में हमेशा object एक pseudo force experience करता है, और क्योंकि circular motion एक accelerated motion है, इसमें object की velocity की direction change होती रहती है, तो यहाँ भी object एक pseudo force experience करता है. इस pseudo force की खासियत है कि ये radius के along लेकिन centripetal force के opposite, that means always directed along the radius but away from the center act करता रहता है, और इसका नाम इसीलिए हमने रखा centrifugal force. So the object performing a circular motion is acted upon by two force, one real force called centripetal force and one pseudo force called centrifugal force. Direction of centrifugal force is along the radius and away from the center. So directions in this motion are very important. The direction of motion, which is along the tangent, direction of centripetal force, which is always directed towards the center and along the radius, direction of centrifugal force, which is always directed along the radius but away from the center. Now, interestingly, centripetal force and centrifugal force are actually equal, and you can see that they are in opposite direction also. So sometimes question is being asked whether centripetal force and centrifugal force are action reaction pair. No, they are not action reaction pair because they are acting on the same object. While action reaction pair always acts on different object. For example, take the example of a book which is placed on the table. Now, book exerts force on the table in downward direction because of its weight. That is action of the book. In reaction, table exerts force on the book, but this reaction is experienced by the book
while action of the book is experienced by the table. So action is acting on table and the reaction is acting on the book. So the two forces are acting on different objects. Action and reaction pairs are always experienced by the different objects, not by the same object. While in the case of centripetal and centrifugal forces, they are acted upon by the same object. That is why they are not action and reaction pair. So we have mentioned the answer of this question. Whether action and reaction pairs are centripetal and centrifugal forces are action and reaction pair or not. So that whole discussion is here summarized in 2-3 points. You can note these points. So in the next class, we will discuss the more detailed and important points of the circular motion and how observer standing on a platform which is rotating and an observer which is standing on the ground, that is not at the platform but at the ground, sees the same motion in a different way. How observer जो देख रहा है उस मोशन को वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवेंट को डिस्क्राइब करने में, जो कि एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कल पर मूव कर रहा है और अचानक उसकी जो थ्रेड है जिसकी वजह से वो डिस्टेंशन फोर्स की वजह से वो एक सर्कल पर मूव कर रहा था और जब उसकी थ्रेड काट दी जाए तो वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. यानी ऑब्जर्वर का असर पड़ता है किसी इवेंट को एक्सप्लेन करने में कि कैसे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, किधर जा रहा है वो ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जर्वर की इम्पोर्टेंस को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और सर्कुलर मोशन एक बेस्ट एग्जांपल है ऑब्जर्वर के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए.